हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम अरे लिस्ट से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए रिमूव इफ मेथड का यूज करना सीखेंगे और साथ ही लेमड़ा एक्सप्रेशन को भी समझेंगे। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझने के लिए एक प्रोग्राम बनाकर हम आपको समझाएंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर अरे लिस्ट बना लेता हूँ और उसके इनसाइट कुछ एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ ताकि उनको हम रिमूव कर सकें। तो यहाँ पर अरे लिस्ट बनाने के लिए जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइट जो अरे लिस्ट नेम का क्लास होता है उसका हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हम स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड करेंगे, इस वजह से मैंने अरे लिस्ट को स्ट्रिंग टाइप का बनाया है। अब ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब हम यहाँ अरे लिस्ट नेम का जो क्लास है जो कि जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइट होता है उसको यहाँ इंपोर्ट करेंगे। चलिए, अब इस ऑब्जेक्ट को हम इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर देंगे इस तरीके से। अब अरे लिस्ट के इनसाइट हम स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो अरे लिस्ट के पास ऐड नेम का मेथड होता है, हम उसकी हेल्प से अरे लिस्ट के इनसाइट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट से ऐड नेम के मेथड को कॉल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एलिमेंट्स ऐड करेंगे। चलिए, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं। अब पहले इनको प्रिंट करवा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे इस तरीके से। चलिए रन करके चेक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्स आपने ऐड किए थे वो सब प्रिंट हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर ये जो संजू है इसे रिमूव करना है, तो बहुत आसान है। इसके लिए हम यहाँ पर रिमूव इफ नेम की जो मेथड है उसका यूज़ करेंगे। और ध्यान दें, जो रिमूव इफ नेम का मेथड है वो JDK 8 से अर्लीस्ट वर्जन में चलता है। तो अगर आपके सिस्टम में JDK 8 से अर्लीस्ट वर्जन है तभी आप इसका यूज़ कर पाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट से मैं कॉल करूँगा रिमूव इफ नेम की मेथड को और यहाँ पर हम लेमड़ा एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। जो लेमड़ा एक्सप्रेशन है उसका यूज़ करना बहुत आसान है। यहाँ पर आपको कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑपरेटर यूज़ करना है। अब जो वेरिएबल आप यहाँ पर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ n लिया, तो आप इससे कॉल करेंगे कंटेंट्स नेम के मेथड को और जिस एलिमेंट को आपको रिमूव करना है उसका नेम यहाँ पर दे देंगे। जैसे मुझे संजू को रिमूव करना है तो मैंने यहाँ संजू दे दिया। तो इस मेथड का मतलब यह है कि जब इसे संजू मिलेगा तो ये उसको रिमूव कर देगा। चलिए मैं रन करके चेक करके बताता हूँ आपको, राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संजू है वो रिमूव हो चुका है। तो गाइज, आज इस लेक्चर के इनसाइट हमने अरे लिस्ट से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए रिमूव इफ मेथड का यूज़ करके देखा और साथ ही साथ लेमड़ा एक्सप्रेशन को भी समझा। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।